आगे का कार्य हम कैसे करेंगे यही हमको समझना है। तो हमने अभी किस चीज की एंट्री करी है, रिसीप्ट वाउचर की। तो रिसीप्ट वाउचर यानी कि पैसा हमने रिसीव करा दिया है कंपनी में, ठीक है। टैली प्राइम को मैं ओपन कर लेता हूं, मैं आपको दिखाता हूं आगे आगे आपको कैसे प्रोसेस करना, ठीक है। मान लीजिए जहां से आप सामान लेके आएंगे बेचने के लिए थोक भाव में, तो वो आपको एक बिल देगा ना। मान लीजिए बहुत सारा सामान मंगाएंगे तो आपको एक बिल देगा, उसी बिल की एंट्री आपको अपने यहाँ करनी है, अपने कंप्यूटर में कर लेनी है, ताकि आपको ये पता रहे कि हम इतने का खरीद के लाए हैं, तो इससे ज्यादा का बेचेंगे तभी हमको क्या होगा, फायदा मिलेगा, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री करी जाती है परचेज वाउचर में, ठीक है। किस वाउचर में? परचेज वाउचर में। तो अभी हम है गेटवे ऑफ टैली, टैली की मेन मेन्यू पर, और यहां से वाउचर में जाने के लिए हमको भी प्रेस करना है, तो भी प्रेस करके वाउचर में आ गए। कभी देखिए ये कौन सा वाउचर है, पेमेंट वाउचर है। कौन सा वाउचर है? पेमेंट वाउचर। आप भी अपने में एंट्री करते रहिए ताकि ये एकदम क्लियर होता रहे, ठीक है, ठीक है। तो अभी आपके में रिसिप्ट वाउचर खुला है, मेरे में पेमेंट खुला है। आप देखिए ये राइट साइड में ये जो पट्टी सी बनी हुई है इस पे देखिए, जरा ध्यान दीजिए, इसमें आपको परचेज दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी परचेज ऑप्शन पे जाके आपको क्लिक कर देना है, माउस से जाके क्लिक कर दीजिए। आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन माउस से जाके इस पे क्लिक कर देते हैं हम। तो अभी हम आ गए कहां, परचेज वाउचर में। यहां पे लिखा भी हुआ है परचेज, ठीक है। अब जो सप्लायर से बिल मिला है आपको, उसने उसमें दिया होगा कि क्या क्या आपने परचेज किया है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि वो तो सेल्स का बिल जनरेट करके आपको देगा और उसी की एंट्री आपको अपने यहाँ परचेज में करनी होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि उस बिल का नंबर उसने दिया है 345, ठीक है, और डेट कौन सी रही, मान लीजिए डेट है 1 जनवरी 2025, इसी डेट पर आप क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। तो उस डेट का बिल, ठीक है, कौन दे देगा आपको, होलसेलर पार्टी देगी, जहां से आप सामान खरीद के लाएंगे। तो अब यहां पर आएगा पार्टी अकाउंट नेम। तो पार्टी अकाउंट नेम में ये ध्यान रखिएगा कि जहां से आप सामान खरीदते हैं वो आपका कौन सा पार्टी होता है, क्रेडिटर पार्टी। कौन सा पार्टी? क्रेडिटर पार्टी। अब क्रेडिटर पार्टी का लेजर कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, क्रेडिटर पार्टी सप्लायर पार्टी होती है, वहीं से सामान आता है, ठीक है। होलसेलर पार्टी होती है या सप्लायर पार्टी होती है, तो मान लीजिए उसका नाम कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना। मैं यहां पर एक काम करता हूं, यहां पर सप्लायर 20 नाम दे देता हूं उसको, आप उसका मोहन सिंह किराना स्टोर या जो भी आपका नाम हो। तो यहां पे चलिए मान लीजिए प्रमोद किराना, प्रमोद होलसेल, होलसेल स्टोर नाम दे देते हैं। तो ये प्रमोद होलसेल स्टोर नाम दे दिया, एंटर कर दिया, एंटर कर दिया। बात आती है ग्रुप की, इसका ग्रुप क्या रखेंगे। तो यहां आपको बहुत सारे ग्रुप दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहा है ना, इतना सारा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप रखा जाए। तो हमने आपको बताया था कि ये हमारी क्रेडिटर पार्टी होती है, सन्ड्री क्रेडिटर। कौन सी पार्टी होती है? सन्ड्री क्रेडिटर। तो हम यहाँ पे एस प्रेस करेंगे, क्योंकि सन्ड्री का स्पेलिंग किससे शुरू होता है, एस से, ठीक है। हम यहाँ पे एस प्रेस कर लेते हैं, तो चलिए एस दबाते हैं। देखिए एस वाला सारा हाईलाइट हो गया नीचे, देखिए। तो सेल्स अकाउंट में जाना नहीं है, सिक्योर्ड लोन्स में जाना नहीं है, स्टॉक इन हैंड में जाना नहीं है, सन्ड्री क्रेडिटर में जाना है। सन्ड्री डेटर में भी नहीं जाना, क्रेडिटर में। तो सन्ड्री क्रेडिटर पे क्लिक कर लीजिए, आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करके इस तरीके से जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा, देखिए आ गया। आने के बाद आप एंटर कर दीजिए, ये ध्यान रखिएगा ये ऑप्शन मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ये यस रहेगा, ठीक है। एंटर करिए, एंटर करिए, चाहे तो उस पार्टी का जहां पे दुकान है उसका एड्रेस भर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे भर दीजिए, जैसे राघव नगर देवरिया कर देते हैं, राघव नगर देवरिया, यहीं पर इनकी ये दुकान है जहां से हम परचेस करके सामान लाते हैं खरीद के, ठीक है, बेचने के लिए। स्टेट हमारा उत्तर प्रदेश ही है, राघव नगर देवरिया उत्तर प्रदेश में है। बाकी यहाँ पर एंटर एंटर करके लास्ट तक एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, तो ये हो गया। बाकी ये जो विंडो आएगी इसमें भी आप एंटर करके एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहाँ पर उसी पार्टी का डिटेल आ रहा है जो आप भरे थे, ठीक है। उनका एक जीएसटी आई एन होता है, बाद में समझाऊंगा जीएसटी आई एन क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आप एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। यहां पर बनता है एक परचेज का लेजर। परचेज का लेजर कैसे बनेगा, देखिए यहां पर क्रिएट ऑप्शन दिया है ना, क्रिएट पे जा सकते हैं या वही शॉर्टकट की अल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं, तो आपको जो भी अच्छा लगे। तो आप अल्ट के साथ सी प्रेस करना चाहे तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं। तो यहाँ अल्ट के साथ सी करके यहाँ पे लिख दीजिएगा परचेज, और आगे अकाउंट लिख दीजिएगा, और एंटर एंटर करके इसका ग्रुप रख लीजिएगा परचेज अकाउंट। देखिए ये परचेज अकाउंट ग्रुप है ना, ये रख करके एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा लास्ट तक, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरे पास पहले से है परचेज का लेजर, देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ आपको। देखिए परचेज अकाउंट मैंने बना रखा है पहले से, मैं इसी को लगा लूंगा, ठीक है। अब पहला सामान जो आपने परचेज किया था उसका नाम है टाटा टी चाय पत्ती। क्या नाम है?
तो यहां पर आपको स्टॉक आइटम बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? अल्ट के साथ सी प्रेस करके, ये अल्ट सी प्रेस करेंगे तो स्टॉक आइटम वाला जो विंडो होगा ना, ये देखिए, ये थोड़ा छोटा होगा और लेजर वाला बड़ा सा आता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाटा टी डाल दीजिए, टाटा टी, ठीक है, एंटर करिए, एंटर करिए, एंटर करिए। टाटा टी बिकेगा तो किलो में बिकेगा, तो यहाँ पे किलो कर दीजिए, ये किलो आ जाएगा। एंटर करिए, एंटर करिए और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है, एंटर कर दीजिए। यहाँ पे क्वांटिटी डाल दीजिएगा कि मान लीजिए कितना किलो आप मंगा रहे हैं, तो 10 किलो मंगा रहे हैं। और खरीद रेट आपको क्या पड़ रही है भाई, आप तो बेचेंगे, तो आपको खरीद रेट पड़ रही है 350 रुपए का एक किलो, ठीक है। कितने का एक किलो? 350 का। चप्पल बाहर करो, खुश रहो, हो गया, एंटर कर दो, एंटर 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 और लास्ट तक एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेना। यही आपकी पहली एंट्री है परचेस रिसिप्ट के बाद परचेस की, ठीक है।